समय का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। हमारे बगल में है किरण वाला जो उपाध्यक्ष हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के, और चेयरमैन हरबंस सिंह जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हैं। आज बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेक्रेटरिएट जो पुरानी बिल्डिंग है यूटी प्रशासन, वहाँ पे एक घटना घटी थी 2-3-4 दिन पहले की बात है। कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए और उनको समय पर सैलरी देने को लेकर के, और वहाँ पर क्या क्या हुआ आप सबको पता है। और मैं हूँ कुमार मधुकर, और हम जानते हैं सबसे पहले रंजीत मिश्रा से कि आप जिसको चाहे वो कोई अफसर हो कोई भी हो उसको पीट देते हैं आप लोग, जिस तरह से कि मामला दर्ज हुआ है। बिल्कुल नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन गलत है आप तक जो पहुंचाई गई है। हम लोग ना किसी को पीटते हैं, हमारी तो कर्मचारियों की लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे। और जो मेरा नाम डालकर FIR करवाया गया है वो दबाव में करवाया गया, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पर था ही नहीं। और जो SDO साहब थे वो खुद दल बल के साथ आए थे, और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे महिलाएं और जो कर्मचारी थे उनके साथ अभद्रता किया, उनके साथ मिसबिहेव करते हुए गाली गलौज जाति सूचक शब्द भी बोले हैं, और काफ़ी उन्होंने मिसबिहेव किया है जिसके वजह से उनके ऊपर पर्चा दर्ज है। और कहीं ना कहीं क्रॉस पर्चा इसीलिए किया गया कि उनके दबाव में, क्योंकि दूसरे दिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारी कोई लड़ाई का कोई मनसा नहीं होता, हमारी तो कर्मचारियों के हक की लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि लड़ाई शुरू हो गई, मार पिटाई के आरोप आप लोगों ने भी लगाया है और उधर से भी जो दूसरी साइड है SDO JEE की तरफ से भी वहाँ भी उन्होंने शायद क्रॉस मामला दर्ज करवाया है। है क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ घटना क्या है? बिल्कुल, मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूँगा ताकि देश के हमारी जनता जो CNN न्यूज़ देखती है उनको भी और सभी अधिकारियों को भी, चंडीगढ़ के लोगों को भी, शहरवासियों को भी, कर्मचारियों को भी, सभी पता चले कि एक्चुअल में मसला था क्या। मैं आपको बता दूं सर, वहाँ पे 28 कर्मचारी और 2 सुपरवाइज़र सेक्रेटरिएट न्यू बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनी है अभी 2 साल के करीब हुआ वो चल रहा है, सभी कर्मचारी वहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के काम करते रहे हैं। और वहाँ पे ठेकेदार है कोई भरत इलेक्ट्रिकल के नाम से, जिसका जो आनंद शर्मा है ठेकेदार, वो काफ़ी मिसबिहेव करता रहा, उनको ना छुट्टियां देता था ना कोई, वहाँ एक्चुअली मनमर्जी चल रहा था। और वहाँ पे एक कोई अर्शदीप नाम का JEE और एक सतिंदर नाम का मुंशी, जिनकी पूरी खुलेआम वहाँ मनमानी चल रही थी, और उसका सह देने वाले ये बलजिंदर चहल जी थे और हमारे शिव कुमार कुकरेजा जी XCN हैं। ये काफ़ी 6 महीने से मसला चल रहा था, और कर्मचारियों की शिकायत और फेडरेशन की शिकायत सभी आला अधिकारियों तक गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इवन उनके ऊपर और कर्मचारी के ऊपर अत्याचार होता रहा, और इनको एक बहाना मिल गया निकालने का कि आप सोचिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेरी बात ज़रूर शहर के लोग देखें और सुने, और वो अधिकारी भी सुने, जिस तरीके कर्मचारियों के साथ शोषण करने का ये रास्ता बना लिया जाता है। इन्होंने क्या किया कि कर्मचारियों को निकालने का इनको रास्ता कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने ठेकेदार को, जब हमारे यहाँ चुनाव होता है चंडीगढ़ में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट में उसको इन्होंने एक्सटेंशन दिया, तब तक वो ठीक था, लेकिन एक्सटेंशन के बाद उसने जो आनंद शर्मा जी हैं जो ठेकेदार थे भारत इलेक्ट्रिकल के, उन्होंने लेने से मना कर दिया। वो कहते हैं जी हम आगे ठेका नहीं लेंगे, और ये बोलकर हमारी जब चीफ साहब से मीटिंग हुई, कुकरेजा जी से मीटिंग हुई जो XCN साहब हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मिश्रा जी आपके बंदों को हम इसलिए आउट कर रहे हैं अभी थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि ठेकेदार ने ठेका लेने से मना कर दिया। अब देखिए ये साजिश इन लोगों की, उस ठेकेदार ने मना कर दिया, जब उसने रिटर्न लिख के दे दिया तो ये बड़ा सवाल है कि उसको टेंडर में अलाउ कैसे किए, और अगर टेंडर में अलाउ उसने भर दिया था फार्म तो टेंडर से उसको आउट क्यों नहीं किया, जब वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ शब्दों में लिख के दे दिया कि ठेका मैं सेक्रेटरिएट में नहीं करना चाहता, तो उसको कैसे ठेका दोबारा दे दिया गया। सिर्फ ये एक साजिश थी कि कर्मचारियों को इस बहाने से बाहर करो, उसके बाद जब ठेका हो जाएगा तो अपने मन मर्जी से हम जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे निकालेंगे। और वही काम हुआ, उसी आदमी को दोबारा ठेका दे दिया गया जिसके खिलाफ़ कोर्ट में विचाराधीन है केस कर्मचारियों का, और जिसके खिलाफ ये दुनिया भर की शिकायतें हमारी वहाँ गई हुई है, जो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
ये सब केस के बारे में एक्सीजन साहब को भी पता है, हमारे चीफ साहब जो हैं ओझा साहब उनको भी पता है, और जो राजेश बंसल जी एससी हैं उनको भी पता है। ये बच्चों के तरीके खिलवाड़ ये लोग कर रहे थे, हम लोग डेली कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने लास्ट में ये काम करवाया और उन कर्मचारियों को बाहर कर दिया और उसी आदमी को ठेका दोबारा दे दिया, और अब उसने नया बंदा चढ़ा लिया। जब हमें पता चला तो मैं वहाँ मिलने गया, वहाँ पे चीफ साहब भी नहीं थे और हमारे शिव कुमार जी जो एक्सियन है वो भी नहीं थे, और कोई भी अधिकारी उस दिन नहीं था, कहीं शायद बाहर मुझे लग रहा है मीटिंग चल रही थी। जब उनको फ़ोन किया तो कुकरेजा जी ने बात करते करते फ़ोन चहल साहब को पकड़ा दिया, बलजिंदर चहल जी जो SDO हैं, उनका बिहेवियर टॉकिंग मेरे पास मोबाइल में है, जिस तरीके उन्होंने बात की कि भैया हम ये भैया, मतलब ये एक वर्डिंग होती है एक पढ़े लिखे अधिकारी की, अरे भैया हम नहीं रखते, मतलब मैं उनका भैया हो गया, वो मुझे यूपी का समझ के शायद भैया बोल रहे थे, या बिहार का समझ के बोल रहे थे, या कोई मद्रासी समझ रखे थे मुझे जो भैया बोल रहे थे, मैं इससे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारे जो हमारे जिस हम परिवार से हैं, काशी से, बाबा विश्वनाथ धाम से, बनारस से, वहाँ भैया बड़े भाई को बोलते हैं, तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं तो उनसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन उन्होंने भैया क्यों बोला मुझे, ये उन लोगों का लहजा है, क्योंकि कुछ मैं देखा हूँ कि भैया बड़े हे दृष्टि से देखने वाले को बोला जाता है, जो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं एक भैया का मतलब यहाँ होता है कि लेबर टाइप का, हाँ बिल्कुल वही समझ के वो मेरे से वो संबोधित कर रहे थे SDO साहब कि नहीं भैया हम तो रखेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूँगा। और इस तरीके की वो बात करते करते इतना, मतलब लहजा उनका जो बिहेवियर टॉकिंग था इतना चेंज हो गया कि मैंने उनको बोला कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, एक्सीएन साहब को फ़ोन दो। ये सारा झगड़े फसाद का जड़ ही कुकरेजा जी हैं, शिव कुमार एक्सीएन जी। जब उनको पता था कि हमारा SDO की गरिमा ऐसी है कि 12 साल पहले इसी कारणों से सस्पेंड रहे हैं वो, और आज भी कर्मचारियों का कहना ये है, हमारे वहाँ के लोगों का, कर्मचारी जो उनके अधीन काम करते हैं उनका कहना ये है कि वो दोपहर बाद ही ड्रिंक कर लेते हैं, बिना ड्रिंक का वो रह ही नहीं सकते, और जब भी वो आते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आता है, और जब भी बात करते हैं कर्मचारियों से तो माँ बहन की गाली देके ही बात करते हैं। ये सेक्रेटरीट के कर्मचारियों को पहले से मेरे पास फीडबैक था, और यही कारण रहा कि जब उनसे एक्सीएन साहब ने बात करवाना चाहा तो मैं रिकॉर्डिंग ऑटो में लगा लिया, मुझे पता था कि ये मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, क्योंकि इनका कार्यशैली कुछ ऐसी है पहले से। तो ये रिकॉर्डिंग से मुझे मेरे पास सबूत है कि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, शुरू से बात करते हुए और सीधे डिनाई कर दिया कि मैं नहीं रखूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इसी रोष को लेके कि कर्मचारियों को क्यों निकाला गया, सुबह हमारा वहाँ धरना रखना था, धरना था, और जब हमारे कर्मचारी वहाँ सुबह पहुँचे तो ये पूरे दलबल के साथ 10-12 लोगों के साथ आए, और जिस गेट पे कर्मचारी बैठ के धरना दे रहे थे उसी गेट पे पहुंच कर उनके साथ धक्का मुक्की किया, हमारे लेडीज़ों के साथ बहुत बदतमीजी किया, मिसबिहेव किया, उनके ऊपर पर्चा भी दर्ज है और SC कमीशन को भी लिख दिया हमने, SC कमीशन से भी इनके ऊपर दबाव बनेगा, और हम दिल्ली भी मिलने जाएंगे, और आला अधिकारियों को भी हमने कंप्लेन कर दिया है। चहल साहब के ऊपर कार्रवाई अगर नहीं होती तो हम ये लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे, ये आर पार की लड़ाई है, कर्मचारियों की हक की लड़ाई है, उनकी गरिमा की लड़ाई है, और आने वाले समय में जब ये प्रधानों को इस तरह के गाली गलौज दी जा रही है तो कर्मचारियों के साथ ये अफसर क्या करते होंगे, ये बड़ा सवाल है सर। इसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, जो भी हमारे को करना पड़ेगा, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे अंदर करवा दें, चाहे मैं तो कहूँगा कि जैसे भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को देश आज़ादी के लिए गोली मरवा दी गई, तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ भी शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी हद तक मेरे साथ सत्यद्ध करें, ये जेल भिजवाएं, हमारे सस्पेंड कर दें, चाहे टर्मिनेट कर दें, चाहे मेरे पास जो भी, क्योंकि मैं एक मुलाजिम हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि गरीब कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का नतीजा मेरे साथ कुछ सालों से क्या गुजर रहा है वो हम खुद महसूस कर सकते हैं, और हमारी पूरी चंडीगढ़ के कर्मचारी जानते हैं कि किस तरीके हमारे ऊपर सतर्दित किया जा रहा है, लेकिन हम किसी भी हाल में इसमें समझौते पर नहीं आएंगे, और कार्रवाई हमें चाहिए, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। सवाल ये उठता है मिश्रा जी, हम कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्मचारियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई हम लड़ते हैं कागजों से, हाथापाई, मार पिटाई, जुतम पैजार, आखिर इसकी स्थिति अगर आ जाए
और उसमें भी सुनने में आया है कि जो मामला दर्ज हुआ है उसमें आपका भी नाम है, क्या आपने भी मारपिटाई करी थी? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सोच का सवाल है सर कि मैं चाहूँगा चंडीगढ़ प्रशासन से और अपने आला अधिकारी हमारे एडवाइज़र साहब से हमें बड़ी कामना और उम्मीद भी करता हूँ, क्योंकि मुझे उनका फीडबैक है कि सर बहुत अच्छे हैं और कर्मचारियों की सुनते हैं और गरीब कर्मचारियों की वो ज़रूर सुनेंगे। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, एडवाइज़र साहब से भी, अपने गवर्नर साहब से भी और हमारे चंडीगढ़ जो मुलाजिम हैं, आज मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर प्रशासन सख्त ना हो, हमारे विजिलेंस के अधिकारी सख्त ना हो, पुलिस प्रशासन सख्त ना हो, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो चंडीगढ़ को बेचने में भी टाइम ना लगाएं। मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जिस टाइम वहाँ पे हाथापाई हुआ या जो भी हुआ है, जो मुझे वहाँ पे फीडबैक हमारे कर्मचारियों ने दिया कि ये 10-15 लोगों को लेके आए और अपने आप ये लड़ाई के ध्येय से आए थे, साजिश के तौर पर आए थे कि उसी गेट से हम निकलेंगे और इनसे बहस होगी और हम ये मुद्दा बनाएंगे कि हम तो ऑफिसर हैं और हम तो वहाँ ऑन ड्यूटी थे और इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। सवाल ये उठता है कि जब कर्मचारी उसी गेट पे बैठ के और इनका बैकडोर एंट्री खुला हुआ है दोनों तरफ, सेक्टर 8 में जाने का रास्ता दोनों तरफ खुला हुआ है, तो ये बड़ा सवाल है कि वो उसी रास्ते आए जहाँ पे कर्मचारी बैठे थे। तो ये उनका मनसा था कि वहाँ जाएंगे और हमारी बहस होगी और हम लोग वहाँ पे मार पिटाई करके ये आरोप लगाएंगे कर्मचारियों को भी हम लोग अधिकारी हैं और हमारे पास, हम ऑन ड्यूटी थे और हमारे साथ ये धक्का मुक्की हुई। मैं अपना बता दूँ सर कि मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा, पुलिस प्रशासन से, अपने SSP मैडम से भी आग्रह करूँगा, DSP साहब से भी आग्रह करूँगा, SHO साहब से भी आग्रह करूँगा कि मेरा लोकेशन मोबाइल का निकलवाएं और उसमें देखें कि जब वहाँ किसी प्रकार का हो हल्ला हुआ तो उस टाइम मेरा लोकेशन कहाँ का था और मैं कहाँ था, जबकि मैं वहाँ आधे पौने घंटे बाद पहुँचा हूँ जब मुझे ये सूचना मिली कि वहाँ पे कोई वाद विवाद किसी से हुआ है। तब मैं घर से निकला हूँ क्योंकि यहाँ पानी लेने के लिए रुका हुआ था, पानी लेके मैं और चेयरमैन साहब वहाँ पहुँचे हैं और मैं जब पहुँचा तो वहाँ पे SHO साहब पहले से मौजूद थे, हमारे नरेंद्र पटियाल जी जो 3 सेक्टर थाना के SHO हैं। मैं बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मेरे नाम से FIR करना, ये बड़ी बात है और ये एक जांच का विषय है जो मैं प्रशासन के ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है, अपने संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें अपने अधिकारियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसको मैंने एप्लीकेशन दे दिया है सभी को और ये मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा, ये मुझे मालूम है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब वहाँ पे मार पिटाई या किसी वाद विवाद हुआ तो उस टाइम उस मौके पर आप नहीं थे, बाद में पहुँचे फिर भी आपके ऊपर मार पिटाई का आरोप लगा, यही कहना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सेम यही हुआ है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोल पाऊँगा क्योंकि एक कैमरा आजकल तीसरी आँख है, तो मैं चाहूँगा कि कैमरे को ओपन कर लें, सेक्रेटरिएट में कैमरे भी लगे होंगे और उसमें फुटेज भी निकाल लें और मेरे मोबाइल का अगर नहीं कुछ हो सकता तो मेरे मोबाइल का लोकेशन ट्रैक कर लें, प्रशासन के पास तो सारा अधिकार है, तो लोकेशन ट्रैक करें कि उस टाइम में उस समय मैं किस जगह पे था और कहाँ मेरा लोकेशन मोबाइल का आ रहा था, तो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मुझे न्याय मिलेगा और मुझे ये पूरा भरोसा है। पहले एक बार जैसा कि हमें याद है कि कई कर्मचारी नेताओं ने कहा था कि जो ठेके पे काम कर रहे हैं उनको ना निकाला जाए, जो पुराने कर्मचारी हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उसको ना निकाला जाए, इसके बाद भी अगर कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, एडवाइज़र की एक चिट्ठी आई थी उसमें जब मनोज परिदा यहाँ पर एडवाइज़र थे तब, हालांकि चिट्ठी एडवाइज़र की तरफ से थी वो, इसके बाद भी अगर कर्मचारियों को निकाला जाता है तो क्या जो वर्तमान एडवाइज़र साहब हैं उनके जहन में या उनके नज़र में इन सारी बातों को आप लेकर के आए या जो भी कर्मचारी नेता लोग हैं? बिल्कुल सर, हमारी चिट्ठियों की ढेर लगी हुई है, हम जाते हैं वहाँ पे, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि हमारे, शायद मुझे जो डाउट है कि अधिकारियों तक हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो हमारी बात को सुनने वाले अधिकारी हैं, उनके तक हमारी न लेटर पहुँच पाती है, मुझे तो यही आशंका लगता है, क्योंकि इतने दिनों से हो हल्ला होने के बाद, रैली धरना होने के बाद संज्ञान में ना लेना ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि एडवाइज़र साहब का नोटिफिकेशन है कि पुराने कर्मचारी ना निकाले जाएं, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के नोटिफिकेशन है, पर्सनल सेक्रेटरी साहब के नोटिफिकेशन है कि ना निकाले जाएं, जैम पोर्टल पे भी कंडीशन चढ़ा हुआ है कि पुराने कर्मचारी को ना निकाला जाए, उसके बाद भी अगर ये कर्मचारी निकाले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे JEE SDO और मुंशी और XCN के रहनुमाई से चल रहा है और उनके मर्जी से चल रहा है। कोई भी ठेकेदार, कोई भी ऐसा ठेकेदार नहीं है जो इन कर्मचारियों के बगैर कोई अपना डिसीजन ले ले, तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के, जैसे बलजिंदर सिंह चहल जैसे लोगों को, जो अपने कार्यशैली से 12 साल अगर सस्पेंड रहा है लगातार वो कर्मचारी,
तो मैं समझ सकता हूँ और शहर का लोग समझ सकते हैं, शहर की हमारी जनता समझ सकती है, शहर के कर्मचारी समझ सकते हैं कि 12 साल सस्पेंड होने के बाद आने के बाद उस आदमी की क्या कार्यशैली रहा हो और आज भी वो किस तरीके और भी अधिकारियों को साथ लेकर, जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं, एक्सीएन भी अच्छे हैं, एसडीओ भी अच्छे हैं, जेई भी हमारे बहुत अच्छे हैं, चीफ साहब को भी बदनाम कर रहा है वो आदमी, और एक झुंड बनाकर अपना करप्शन छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए ये सोसेबाजी करके कि रंजीत मिश्रा को अंदर करो, हमारे ऊपर से पर्चा हटाओ, तो ये बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि जो लोग साथ दे रहे हैं उनको नहीं देना चाहिए इससे गलत आदमी का। हाँ, अगर मेरे पास मेरे से भी गलती हुई है तो मेरे को सज़ा मिले, कानून हमारा हमारे को जो कानून के तहत सज़ा मिलेगा, संविधान के तहत सज़ा मिलेगा, मैं बिल्कुल मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी लड़ाई कर्मचारियों के हक के लिए थी, है और रहेगी। हमारी किसी से व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई मेरी जास्ती दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। एडवाइजर साहब, आपको भी समझना होगा कि आपकी जो चिट्ठी आई है कि किसी पुराने कर्मचारी को नहीं निकाला जाए, उस चिट्ठी की लगातार धज्जियाँ उड़ रही हैं और धज्जियाँ पर धज्जियाँ उड़ रही है। इसके बाद भी अगर आपका डिपार्टमेंट चुप है तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एडवाइजर साहब, आपके लिए है ये बात। जी जी सर, मैं एक और खुलासा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से इस चीज़ को मैं चैलेंज करता हूँ। ये चिट्ठी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अपने चंडीगढ़ की चिट्ठी है। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन जो डेपुटेशन पे यहाँ सिटको से बैठे हमारे शिव कुमार कुकरेजा जी, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ऐसा हरकत किया है कि वीडियो में आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे वो हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं और कुकरेजा जी हंस रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग में है। तो मैं कुकरेजा साहब को बता देना चाहूँगा कि आप जैसे बहुत अधिकारी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपका मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि आपकी इसी 31/7/2024 को एक्सटेंशन आपका 4 साल ख़त्म हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर का ये लेटर है, नोटिफिकेशन है ये कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, वो भी कैंसिल होगा। मैं एडवाइजर साहब से विनती करूँगा, लेटर तैयार है, वो मैं मंडे को दे दूँगा। दूसरी बात कि आप 56 साल से अबव हो चुके हैं, इस टाइम आपकी उम्र 58 है और आप एक्सटेंशन के लिए दोबारा, मुझे जो वहाँ पे ज्ञान हुआ है, जो वहाँ पे मुझे पता चला है सूत्रों के हिसाब से कि उनको एक्सटेंशन के लिए 1 साल ओझा साहब और देने वाले हैं, तो ओझा साहब आप चीफ हैं, आपकी गरिमा इस टाइम दाव पे लगी हुई है, ऐसे अधिकारी लगा रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन को ज़रूर, अगर आपके पास ना मिले तो मेरे से ज़रूर मंगा लें और इनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इनको 31 तारीख को विदाई समारोह करें इनका और इनके जगह कोई अच्छा अधिकारी लगाएं ताकि वो गरीब कर्मचारी जो निकाले गए हैं उनको नौकरी पर चढ़ाया जा सके, उनके घर का जो चूल्हा बुझा हुआ है, परिवार उनका आज भूखे मरने का कगार पे है, उसको बचाया जा सके। तो तीसरी बात सर, मैं आप कहना चाहूँगा ये चैलेंज के साथ, कुकरेजा जी के नाम जरूर, मेरा एड्रेस जरूर इनका नोट कर लें, आपके माध्यम से देश के हर उस व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा, शहर के अपने चंडीगढ़ उस व्यक्ति को बताना चाहूँगा, 625 नंबर हाउस है, सेक्टर 20A में अपने शिव कुमार कुकरेजा जी जो एक्सियन हैं, इनके यहाँ जो इनका मकान बन रहा है वो जो मुझे सूत्रों से पता चला है, और इसका मैं फॉरेंसिक जांच भी कराऊंगा, एडवाइजर साहब को चिट्ठी बनी हुई है और वो मैं दूंगा, विजिलेंस को भी दूंगा, CBI को भी दूंगा कि ट्रॉमा सेंटर 32 हॉस्पिटल में वो सरकारी प्रॉपर्टी बन रही है, देश के गरीब लोगों का, अमीर लोगों का, शहर के लोगों का इलाज करने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ट्रॉमा सेंटर, वहाँ का ईंट बजरी और रेता तक इनके मकान में यूज किया जा रहा है, और इसमें यूज कराने वाले वहाँ का एक आशुतोष नाम का जेई है जो सारा सामान उठवाकर इनके घर तक पहुँचाया जा रहा है 20 में, इसके विजिलेंस जाँच हो, CBI जाँच हो, और इसमें एडवाइजर साहब से मेरी हाथ बांध के विनती है कि हो सकता है कि ये न्यूज वायरल होने के बाद वहाँ से बिल भी नकली बनाया जा सकता है, बिल भी दूसरा लिया जा सकता है उसी ठेकेदार से जो सप्लायर है 32 हॉस्पिटल का, तो ये करें उससे पहले उस ईंट को, ईंट भी वहीं यूज हो रहा है, सीमेंट भी वहीं यूज हो रहा है, रेता बजरी भी वहीं यूज हो रहा है, इमीडिएट वहाँ का JE जो 32 सेक्टर का है आशुतोष, उसको सस्पेंड किया जाए, SDO को सस्पेंड किया जाए और इसकी खुल के जाँच हो, और इसके एक्सियन राजेश बंसल जी हैं, राजेश बंसल जी की भी बहुत सी बातें हैं जो मैं अभी नहीं खोलना चाहूँगा, उनका अगर मकान चेक किया जाए तो राजाओं वाली ठाठ उन्होंने अपने मकान में बना रखा है, इटालियन टाइलें तक लगी हुई है, जबकि और कर्मचारी हमारे चंडीगढ़ शहर के हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं
उनको अपने यहाँ टाइलें तो छोड़िए रिपेयर दरवाजे तक लगाने के लिए चार चार दस दस राउंड मेंटेनेंस के दफ्तर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के घरों का हालात देखिए, चाहे इनका घर का बंगला हो चाहे इनका प्राइवेट बंगला हो, बिल्कुल अप टू डेट ये बाबू बने हुए हैं। जिनके सिर पे बाबू बने हुए हैं उनके साथ ऐसे नौकरी से निकाल कर ये उनके रोजी रोजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं कुकरेजा साहब का ये ज़रूर चाहूँगा, एडवाइज़र साहब को विनती करूँगा कि इमीडिएट एक विजिलेंस अधिकारी गठित करें और वहाँ उनका दीवार तोड़वाएँ, ईंट निकलवाएँ, बजरी रेता सीमेंट सब ट्रोमा सेंटर के मटेरियल से चेक करवाएँ और वो दूध का दूध पानी का पानी करें और जो दोषी है उसको सजा दें। एक बहुत बड़ा सवाल है सर आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ के आला अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को भी, कि ये कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, इन्होंने जहाँ पे हमें रैली धरने के लिए इतनी बड़ी फेडरेशन को भी अंदर एंट्री नहीं गेट के अंदर लिया जाता, लेकिन इन्होंने गेट के पास जहाँ पे एडवाइज़र साहब की गाड़ियाँ लगती है, जहाँ पे एडवाइज़र साहब आते हैं, हमारे आला अधिकारी जितने सेक्रेटरीट में आते हैं वो उतर कर वहाँ से अंदर को अपने ऑफिस में जाते हैं, वहाँ खड़े होकर चंडीगढ़ प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और वहाँ चंडीगढ़ पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और जो पुराना सेक्रेटरीट है, ओल्ड सेक्रेटरीट है, जहाँ पे ओझा साहब बैठते हैं, वहाँ पे एक हॉल है बड़ा, जो वो अधिकारियों के लिए रखा गया है कि कोई बड़ा अगर प्रोग्राम हो तो वहाँ पे उस मीटिंग को अटेंड किया जा सके, उस हॉल का मिसयूज किया गया। और इन जेई और एसडीओ और एक्सीएन के माध्यम से, और चीफ साहब को भी पता था, वहाँ चीफ साहब भी मौजूद थे, तो क्या वो हॉल जहाँ पे पब्लिकली प्रधानों को भी बुलाकर वहाँ पे फेडरेशन के खिलाफ बुलवाया गया और फेडरेशन के खिलाफ और मेरे खिलाफ या किरण बालाजी के या किसी के खिलाफ भी वहाँ जो बोला गया है, जो बाहर से आउटसाइडर प्रधान जो बने हुए हैं वो आकर वहाँ पे एक मीटिंग की गई और दो दिन लगातार मीटिंग हुआ है, तो मैं प्रशासन से विनती करना चाहूँगा कि क्या वो उन्होंने परमिशन लिया था या उन्होंने किराए का पैसे दिया, या जो अधिकारी उसमें सम्मिलित हुए थे, हमारे कर्मचारियों को तो धमकाया डराया जा रहा है कि आपकी पेमेंट काट ली जाएगी, आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी, आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप कहीं बिना बताए ऐसे जाते हैं। तो जो ये 150 अधिकारी वहाँ पे इकट्ठे होके, जो जेई एसडीओ मुंशी वगैरह वगैरह जो भी इकट्ठे हुए थे, क्या ये छुट्टी दे के आए थे, क्या ये कहीं परमिशन लेके आए थे इकट्ठा होने के लिए रैली धरने के लिए, या उस हॉल को जो यूज किया गया और उन प्रधानों को बुलाया गया, जो आज मैं बता दूँगा आपके माध्यम से कि वो प्रधान जो वहाँ पे बदसलूकी करके गया फेडरेशन के खिलाफ, उस प्रधान को जिनके बीच में खड़े होकर वो आदमी बोल रहा था, उन्हीं लोगों ने रिटायरी में 2020 में बिना रिटायरमेंट पार्टी का घर भेज दिया, 1 किलो मिठाई का डब्बा तक उस प्रधान को नहीं दिया, और वो प्रधान सारी जिंदगी बिना नौकरी का प्रधानगी कर गया और फ्री का गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, और उससे ले रहा या लेता रहा, बिल्कुल पेमेंट लेते रहे। और आज भी मुझे आशंका है कि एक बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया था, देखो इतनी बड़ी विडंबना कि एक प्रधान जो 40 साल तक 35 साल तक बिना किसी नौकरी का, उस आदमी को पेचकस प्लास तक नहीं पकड़ने आता, लेकिन वो अपने प्रधानगी के नाम पे पूरी सर्विस कर गया, रिटायरी में उसी गुस्से से अधिकारियों ने उस बंदे को रिटायरी का पार्टी तक नहीं दिया, उसके यूनियन वालों ने भी नहीं पार्टी दी, ये गरिमा है उस आदमी की, और वो हमारे फेडरेशन के बारे में गलत सही बोल रहा है। दूसरी बात सर कि वो आदमी आज मैं प्रशासन से, चीफ साहब से, क्योंकि चीफ वही हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, रंजीत सिंह जी एससी हैं और टंडन साहब एक्सीएन हैं, तो मैं विनती करूंगा कि जो आप लोगों ने रिटायरमेंट के बाद इनको रखने का सिलसिला वहां रखा वो बंद कर दीजिए। बहुत पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे शहर में घूम रहे हैं जिनको बेरोजगारी के कारण उनके घर की हालत ठीक नहीं है, उन बच्चों को नौकरी दें ताकि उनके घर का गुजारा चल सके, और पढ़ लिख के इतने पैसे लगा के जो कर्मचारी हमारे बेरोजगार हमारे भाई घूम रहे हैं उनको रोजी रोटी दें, और ऐसे प्रधानों को जो 2020 में रिटायरी के बाद भी प्रधानी का भूत नहीं उतर रहा है। कौन सा ऐसा रूल है ट्रेड यूनियन का, आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा उन प्रधानों से कि रिटायरी के बाद कौन सा ऐसा एक्ट और रूल है, जो मुझे बताने की कोशिश करें, या अगर बातचीत करना है तो मेरे को बैठा ले आमने सामने और बात करें, क्योंकि ट्रेड यूनियन मैं भी चला रहा हूँ। कौन सा ऐसा रूल है कि रिटायरी के बाद भी, कई कई साल रिटायरी के बाद भी वो उसमें पदाधिकारी बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी और प्रधान बने हुए हैं, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो ये मैं प्रशासन से ज़रूर विनती करूँगा कि जो वहाँ मीटिंग की गई है
अवैध मीटिंग की गई है, मैं तो यही कहूँगा, क्या उसका परमिशन लिया गया या वहाँ पे मीटिंग बुलाकर उस हॉल का मिसयूज किया गया, या तो हमें फेडरेशन को भी, हमारे कर्मचारियों को भी इस हॉल को ओपन करें, हम लोग भी वहाँ मीटिंग किया करेंगे कर्मचारियों के राइट के लिए और हक के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।